इंडिया आज तक आपकी आवाज। मैं हूँ सिद्रा और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी। तो चले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। नई दिल्ली, साउथ दिल्ली तुलकाबाद के झुग्गी झोपड़ियों में तकरीबन रात 1 बजे लगी भीषण आग। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाई। आई जानकारी के मुताबिक रात करीब 1 बजे ये आग लगी है। हालांकि आग से अभी तक किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। दिल्ली के तुगलकाबाद झुग्गी झोपड़ियों में आग लगने की जानकारी सामने आई है। झुग्गी झोपड़ियों में लगी आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग की करीब 18-20 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। इस आग में अभी तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की जानकारी सामने नहीं है। डीसीपी साउथ ईस्ट राजेंद्र प्रसाद मीना ने आग लगने के बारे में सूचना दी। दमकल विभाग ने करीब 30 गाड़ियों की मदद से स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है। राजेंद्र प्रसाद ने कहा, हमें रात के करीब 1 बजे आग लगने की जानकारी प्राप्त हुई। दमकल विभाग को 18-20 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। आग बुझाने का काम जारी है। अभी तक इस आग में किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है। ताजा अपडेट के मुताबिक करीब 30 गाड़ियों की मदद से आग को बुझाने का काम किया जा रहा है। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाने की जानकारी दी है। इसके साथ ही बताया है कि इस घटना में किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। रिपोर्ट रणवीर कुमार। अरे हुआ जाना बेवकूफी है। बड़ी ही अरे हुआ जाना बेवकूफी है। इंडिया आज तक टीवी लाइव खबरों के साथ बने रहें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।